तबस्सुम लेके चल रही है अब हमको अपने कॉलेज के अंदर, और फाइनली हम कॉलेज। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी तबस्सुम का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं उसको तबस्सुम को छोड़ने के लिए। देखिए तबस्सुम आ गई है। हाँ तबस्सुम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तब थोड़ा सा दोपहर का पेपर है ना? हाँ गाइस, दोपहर का पेपर है इसका, इस वजह से थोड़ा सा और लेजीनेस लग रहा है। सुबह का पेपर अच्छा रहता है, फ्रेश फ्रेश एकदम फील होता है, और अभी दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रहा है, लू लग रहा है दोस्तों, समझ लीजिए एकदम गर्म गर्म हवा लग रहा है। धूप भी इतना तेज निकल रहा है कि 5 मिनट बस खड़ा हो तो एकदम हालत बेकार हो जा रहा है। तो अभी देखिए इसका पेपर का ही अपना कर रही है तैयारी, फिर इसको लेके चलेंगे हम लोग इसको कॉलेज, छोड़ा जाएगा, फिर छोड़ने के बाद अभी इसका आपकी छुट्टी होगा, तब उस टाइम फिर हम लोग जाया जाएगा इसको पिक करने लेकर आने के लिए। तब इसका तैयारी क्या कर रही हो, देख रही हो दोहरा रही है दोस्तों, तो चलिए इसको दोहराने देते हैं। तो अभी बज रहा है दोपहर के 1 और अब जो है तबस्सुम के कॉलेज अब हम लोग चलते हैं उसको छोड़ने के लिए। और 1 बज रहा है, काफ़ी सारा जो है यहाँ पे धूप भी निकल गया है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। आसपास का आप देख सकते हैं मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है दोस्तों। और यहाँ का रास्ता भी कुछ जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ख़राब ही है, बहुत सारे गड्ढे हैं और पथरीला रास्ता है, तो ये रास्ता तो बड़ा बेकार है। लेकिन अब इसी रास्ते से ही हमें जाना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सारा पत्थर भी है। तो आज तबस्सुम का जो है दोपहर का पेपर है, इस वजह से थोड़ा लेजी है और जो है और दोपहर का टाइम है तो बहुत ही गर्म हवा चल रहा है दोस्तों, फ्रेश फ्रेश फील नहीं हो रहा है, लू जैसा लग रहा है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोग का जो है शाम में आते वक्त हम लोग का तबीयत सच में ख़राब हो गया था, तबस्सुम को लू लग गया था और मेरा तो सर ही दर्द करने लगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोपहर का पेपर सिर्फ तबस्सुम का 1 ही पड़ा है और यही दोपहर का पेपर जो है तबीयत ख़राब कर दिया हम लोग का। और यहाँ देखिए दोस्तों अब हम लोग काफ़ी थोड़ा सा दूर आ गए हैं और कुछ समय ही बाकी है तबस्सुम का जो है कॉलेज आने में, और तबस्सुम ने हैट वैट लगा लिया है कि ताकि लू से बचे, फिर भी इसको कॉलेज में लू लग जाता है दोस्तों, उसका तबीयत ख़राब हो जाता है। और देखिए ये जो है कंकड़ीला वाला रास्ता अब हम फाइनली पार कर लिए हैं और आ गए हम मेन रोड पर दोस्तों, और ये रोड काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और यहाँ आने जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बस वही रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो अब देखिए दोस्तों तबस्सुम अपने हैट को पकड़ लिए क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि हैट जो है उड़ के फेंका जाएगा दोस्तों, इसीलिए तबस्सुम हैट को पकड़ ली है और फाइनली अब पहुंच गए हैं तबस्सुम के कॉलेज। और तबस्सुम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जल्दी ही आ गई है क्योंकि लग रहा है 1-2 लड़कियाँ ही आई हुई हैं, तो यहाँ पे देखने लगती है अपना रोल नंबर, लेकिन यहाँ पर रोल नंबर नहीं है क्योंकि अंदर रोल नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो है कल के पेपर का रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखती है कि मिस्टेक ना हो जाए तो दोबारा देखती है, लेकिन रोल नंबर नहीं रहता है दोस्तों। तो अभी जो है तबस्सुम हम लोग को लेकर चलेगी अपने कॉलेज के अंदर, और मैं आप सभी को बता दूं इसी कॉलेज से मैंने भी पढ़ाई किया हुआ है, पढ़ाई कर लिया है मैंने इसी कॉलेज से, इसके बाद तबस्सुम का भी यहीं पे एडमिशन हुआ है। तो अब चलते हैं तबस्सुम और मेरे कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं और देखिए कितना अच्छा इसका कॉलेज है। मेरा भी फास्ट में ये कॉलेज रह चुका है दोस्तों, मैंने यहाँ से पढ़ाई फिनिश कर लिया है, तो तबस्सुम भी इसी कॉलेज से पढ़ रही है। और यहाँ पे हम लोग आने के बाद बहुत सारा देखिए इसी फील्ड में बहुत गर्म गर्म हवा चल रहा है और इसी फील्ड में इसको लू लग जाता है क्योंकि बाहर ही रहती है। और देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ पिक्चर्स लेने लगते हैं कॉलेज की, क्योंकि इतने साल के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ अंदर दोस्तों, क्योंकि मैं बाहर ही तक रहती थी, अंदर नहीं आती थी क्योंकि पेपर चल रहा था दोस्तों। तो अभी तबस्सुम जो है अंदर लेकर आई है, तो यहाँ पर देखिए अब मुस्कान भी कुछ सेल्फी खिंचाने लगती है, इसको भी नहीं रहता है क्योंकि अब जो कि दोस्तों ये भी अपना फ़ोटो जो है खिंचाने लगती है, हम लोगों ने फोटो क्लिक करा लिया है, तो अब ये भी करा रही है इस कॉलेज में अपना जो है। देखिए ये कॉलेज आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा जूम करके, काफ़ी बड़ा कॉलेज है और हर एक चीज़ का यहाँ पे सुविधा भी है। तो गाइज यहीं तक था तबस्सुम का सफ़र, और देखिए तबस्सुम की जो है पीछे क्लास वाली भी हैं लोग, तो वो लोग भी, तो अभी हम बाय करते हुए यहाँ पर निकलते हैं और अब हम चलेंगे घर के तरफ दोस्तों। तो मुस्कान अपना स्कूटी मुड़ा ली है क्योंकि हमें चलना है अब घर दोस्तों, उसके बाद तबस्सुम का पेपर होगा तो फिर हमें आना पड़ेगा दोस्तों से लेने के लिए। तो अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों, काफ़ी धूप है, तो मैंने तबस्सुम से हैट ले लिया है और मैंने खुद वो हैट लगा लिया है क्योंकि वो हैट अलाउ नहीं है अंदर ले जाने के लिए दोस्तों। और देखिए हम लोग घर पे आ गए हैं और अब शाम के 5 बज गए हैं दोस्तों, तो अब हम चलेंगे तबस्सुम को लेने। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अब देख सकते हैं शाम का मौसम है, फिर भी थोड़ा धूप अभी भी है दोस्तों, अभी भी धूप लग रहा है और थोड़ा थोड़ा गर्म हवा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा है यहाँ का। देख सकते हैं शाम का मौसम यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। वही रास्ते से फिर हम लोग जा रहे हैं पथरीला
रहा पथरीला वाला रास्ते से दोस्तों, कि अब कोई चारा ही नहीं है। तो अब आ गए हम मेन रोड, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा हवा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत कम है, बहुत कम है दोस्तों। तो थोड़ा राहत मिल रहा है, शाम ये 5 बजे हम लोग पहुँच रहे हैं, और तबस्सुम का पेपर ख़त्म भी हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि 5 बजे ही उसका फिनिश है पेपर। तो वेट हो सकता है करती हो, या फिर देखते हैं कि टाइमिंग पे हम लोग पहुंच जाते हैं कि नहीं दोस्तों। लेकिन अभी तो मुस्कान चला रही है थोड़ा सा नॉर्मली स्पीड में, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाना है, और हम लोग जब पहुँच जाएगा दोस्तों काफ़ी लेट नहीं। अब देखिए फाइनली तबस्सुम आ गई है, और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा इसे, तो तबस्सुम का पेपर अच्छा ही गया है माशाल्लाह। तो हम लोग चलते हैं, तो शाम का मौसम है, अभी अफ्तारी भी हमें खोलना है दोस्तों, तो 6:20 पे होगा अफ्तारी। तो चलिए चलिए चलते हैं दोस्तों। तो वही आज जो है तबस्सुम को हम लोगों ने पिक किया, और फिर उसे छोड़े फिर लेने आए, और ये देखिए शाम का मौसम कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सूरज देखिए, और यहाँ का कितना प्यारा नज़ारा है दोस्तों, और काफ़ी सारा पेड़ भी है, इस वजह से थोड़ा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, नदी किनारे है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा।